क्लास 11 केमिस्ट्री में लेसन नंबर 2 2 का हम लोग आज एक्सरसाइज सॉल्यूशन करते हैं। चले तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहे देखो तुम आ जाओ। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है हल करते हैं हम लोग। निम्नलिखित के आणविक आणविक ये ना मोलर द्रव्यमान पूछे था ना क्या पूछ रहा है भाई। पहला क्वेश्चन क्या है पहला आपका है कि 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है यही ना भाई जी। तो चलो हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम भार में देख लो कितना बढ़िया सवाल है। 1 ग्राम भार में किसकी संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा बताओ पहले एक चीज़ मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। हल करो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर कितना होता है 9.1×10⁻³ किलोग्राम। नहीं याद होगा तो याद कर लेना। ये कॉम्पिटिशन में कई बार पूछता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना 9.1×10⁻³ किलोग्राम। अच्छा क्वेश्चन में 1 ग्राम कह रहा था। अच्छा रुक जाओ तो इसको भी ग्राम में बदल दिया जाए तो किलो को हटाने के लिए खैर से गुणा कर देंगे ना। हाँ तो हो जाएगा 10⁻³। हाँ ये खैर से गुणा कर दो किस में ग्राम में यानी 9.1×31 में जो 3 घट गया 10⁻² ग्राम। लेकिन 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 1 ग्राम में पूछ रहे हैं तो सुन लो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 1/9.1×10⁻²। इसी से भाग दे देना आपको दे तो भाग अगर 10 गुना हटाओगे ना तो ऊपर 1 0 पड़ जाएगा 10 ये जाएगा ऊपर 10^+28 और नीचे 91। तो पहले तो 10 गुना बढ़ाएंगे। अच्छा 91 से भाग देंगे तो पहले तो 10 गुना बढ़ाएंगे तो मैंने आपका पूरा हल वगैरह करेंगे ना तो आ जाएगा 1098×10⁸। एक अंक और है ना बढ़ा दो 1.098×10⁻¹ उल्टा चल रहा है ना 10^28 ताकि 1.098×10⁻²। इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा यही हमारे घर। ये बड़ा समझो खूब बढ़िया से खूब बढ़िया से कुछ है नहीं इसमें कहा कि 1 ग्राम भार में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले हम लोग आराम से जानते होंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1×10⁻³ किलोग्राम। लेकिन इस क्वेश्चन में 1 ग्राम का है तो इसका मतलब है किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर किलोग्राम है तो 1000 से भाग गुना कर देंगे ग्राम में तो 3 0 हो रहा है तो 31 है तो 31 में से 3 0 घट जाएगा 10^28 ग्राम। अब 1 ग्राम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1/4 जो इसका भार है उससे भाग दे देंगे हल कर तो इसको नोट कर लो नोट कर दो। मैंने कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना तो कहा तुमने छोड़ो कहा कहाँ पहले सुनो ध्यान से। दूसरा ये कह रहा है इसमें के कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश या द्रव्यमान 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो पहले बताओ द्रव्यमान का मान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1×10⁻³ किलोग्राम होता है। लेकिन 1 मोल कहेगा तो अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दें और अवोगाद्रो संख्या कितना होता है 6.02×10³। तो इसका गुणा इसमें कर दो और 31×23 घटा दो तो 8 हो जाएगा। तो जब गुणा कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.48×10⁻²  किलोग्राम 5.48×10⁻⁷ किलोग्राम। ठीक है समझ में। आप पुनः इसमें ये कह रहे हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 मोल इलेक्ट्रॉन का तो जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कहेगा तो आवेश का मान होता है 10^6×10⁻¹। और जब 1 मोल कही तो 6.22 दिखा दी तू 10^23 गुणा कर दो
कि 16 में गुणा कर दो और 23 में चलिए घटा दोगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर में 9.65 × 10 के ऊपर 4 किलोग्राम। ठीक है, गुलाम आ जाएगा सी। अच्छा बात तो समझो, क्या इस चीज़ को समझियो। हमने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो केवल इतना लिख देते, लेकिन जब एक मोल की बात करेगा तो इसे जरूर गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे इतना। एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश खाली कहता तो इतना लिखते, लेकिन एक मोल की बात करते इससे गुणा कर देते इतना। ठीक है, देख लो, नोट कर लो। तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे नोट करने के लिए कह रहे, सीखना है तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 पर। अच्छा क्या करे जानते हो? 3 ना लो यार, अभी दूसरा में 3 बोला लगा तो दूसरा का पहला सवाल है। क्या कह रहे जानते हो कि मीथेन के एक मल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। अच्छा सुनो, पहले सवाल समझो। पहले मैं एक मोल की बात कर रहा सुनो, तो इतना मान के चला कि जितना हो के इलेक्ट्रॉन होगा उसमें फिर 6.022 × 10³ गुणा होगा, कह के मोल कह दिया। तो पहले एक काम करना ना, मीथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में, कहानी हम बताते हैं आपको। पहले एक चीज़, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक को। कोई हाइड्रोजन का पूछेगा तो एक होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक, हीलियम में 2 होता है तो 2, लिथियम में 3 है तो 3। तो वही ना कार्बन में, तो कार्बन के परमाणु क्रमांक क्या था ना 6, हाइड्रोजन का कितना 1, लेकिन 4 बार तो 4 से गुना हो जाए। तो मेथेन में कोई कहाँ बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कहोगे? 10। अरे कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 4, जैसे अगर 4 ना रही तो 7 हो तो सही बात हुआ। कार्बन के 1, हाइड्रोजन के, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 1, 7 हुई, लेकिन हमें 4 गुना हो जाता, 4 हाइड्रोजन बा तो कितना हो गई 10। लेकिन 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 अगर प्रोटॉन पूछता तभी 10 ही होता, परमाणु क्रमांक को प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं। लेकिन इसमें कहानी कहाँ है, एक मोल की बात है। तो अगर खाली मीथेन में, खाली मीथेन में कोई इलेक्ट्रॉन संख्या तो 10 हो जाएगा, लेकिन अगर कोई कहता है कि एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 6.022 × 10³ हाँ जितना आया होता से गुणा कर दो, तो वो एड हो जाए क्या, 6.022 × 10³ इतना आ जाएगा। ठीक है, पहला कुछ समझ में आया कि नहीं, यहाँ बताओ। हाँ, दूसरा ये कह रहा है, अब सुन लो कि 7 मिलीग्राम इतना न्यूट्रॉनों में, 7 ग्राम माने 7 मिलीग्राम 14 कार्बन में, एक बार न्यूट्रॉनों की कुल संख्या पूछ रहा है, किसका, न्यूट्रॉनों का, और एक बार कुल द्रव्यमान पूछ रहा है। तो सुनो पहले क्या कहता ना, कह दिया 6 कार्बन है ना, चलो 6 कार्बन 14 दिया, तने खूब बढ़िया समझना, का भार पहले दिया गया, भार कितना है 7 मिलीग्राम, 7 मिली। हम कहानी बताते हैं, मिली को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जहाँ मिली होता है 10^-3 याद होगा, और जहाँ माइक्रो होता है 10^-6, तो ये काम करना 7 × 10³ लिख लो, ये ग्राम में चेंज हो गया। ठीक है, तो हम बताते हैं। अच्छा बताओ 6 कार्बन 12 14 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8। हाँ, परमाणु भार में सुनो, परमाणु क्रमांक को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, 14 में 6 घटा दो 8, तो कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पर एक मोल में, मोल कह रहे ना, एक मोल 6 कार्बन 14 में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो पहले देखो भार बटा अणु भार, भार है क्या दे दिया 7 × 10⁻³। ठीक, अणु भार देखो कितना लिखोगे, अणु भार किसका पूछ रहे हैं, कार्बन का ना, तो कार्बन का अणु भार कितना होता है, अणु भार परमाणु भार से निकाला जाता है, अणु भार किस, जैसे कोई कहता है कि चलो हाइड्रोजन का परमाणु भार बताइए तो पूरा एक बोला था, अणु भार तो एक हो जाए, हीलियम अगर आता तो 4 है तो 4 लिख देते, तो इसका कितना लिख देंगे 14 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का 14 ऊपर दिया ही है, और गुण है 8 से गुणा कर दो, गुण है, और जब मोल की बात कहेगा तो इसमें गुणा तो जरूर करेंगे किससे। आई हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, अब गुणा कर दो तो आ जाएगा कितना,
आ जाएगा 2.4088 10 के ऊपर 21, इतना आपका आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे तो दिया है भार पहले ही आपका, भार बटाउन भार गुणा जितना न्यूट्रॉन बहुत उतना, और एक मोल की बात करेगा तो अवगाहर संख्या से गुणा। सेकेंड द्रव्यमान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान क्या निकलेगा, जब जितना संख्या है लिख लो 2.4088 गुणे 10 को 21, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये मर्द 1.674 गुणे 10 को 27 होता है किलोग्राम में, ठीक है किलोग्राम में होता है 10 को 27, तो गुणा कर दो है कहीं में, तो गुणा कर दो तो आ जाएगा आपके पास 4.034 गुणे 27 में से 21 घटा दो 10 को 6 किलोग्राम, और ये हमारा कहाँ जाएगा आंसर, ये बस मैं लिखो बढ़िया से तब लिखना, समझो समझो क्वेश्चन में क्या कहा। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक मोल मेथेन में न्यूट्रॉनों की संख्या बताना, तो पहले अच्छा किसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा था ना, तो एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का बताना है, तो मान लो कि हमें इलेक्ट्रॉन निकाले कार्बन के 6 हाइड्रोजन के 4 10 हुआ, 10 लिख दिए, मोल की बात करेगा तो अवगाहर संख्या से गुणा कर देंगे रामे रामे, तो अब बहुत से मैं हर जगह बोलेंगे 23 1 24 तो हो जाएगा 6.02 × 10^24, 6 कार्बन 14 का भार 7 मिलीग्राम है, मिले खदा होगा 10^-3 ग्राम हो जाएगा, ग्राम में रह के चाहिए। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगा, निकालेंगे तो 14 में 6 घटाएंगे 8 हो जाएगा, एक मोल की जब बात करेगा तो जो भार है भार ऊपर वाला अनुभार होता है, न्यूट्रॉन की संख्या और अवगाहर संख्या गुणा कर देंगे तो इतना आपका आंसर आ गया। अब फिर हमें द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान जितना अणु कि जितना माने न्यूट्रॉन की संख्या आया हो और जितना उसका परमाणु भार होता है द्रव्यमान से उतना गुणा कर देता है, नोट कर लो। नंबर 3 है, अरे अभी जंग लगा उसी तरह से सवाल तो है, कह रहा है इसमें कि 34 मिलीग्राम अमोनिया में एक बार प्रोटॉनों की कुल संख्या और एक बार कुल द्रव्यमान पूछ रहा है ना, प्रोटॉनों की कुल संख्या कुल द्रव्यमान बताओ, सबसे पहले तो एक काम करो अमोनिया एन एच थ्री में प्रोटॉनों की संख्या बताओ कितना होगा, 10 होगा, बकल कहीं 10 नाइट्रोजन का होगा, नाइट्रोजन का 7 होता है, हाँ तो 7 उसका और हाइड्रोजन का ही, हाँ तो 3 7 3 10 10 हो जाएगा, सही बात है। इसका अणु भार बोलो, परमाणु भार से निकालते हैं तो नाइट्रोजन का 14 होता है ना, हाइड्रोजन कितना होता है 1, लेकिन नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा 17। अब किसका संख्या पूछा, प्रोटानों के, वो भी कितने ग्राम में, अच्छा देखो ये 34 मिलीग्राम दिया है ना, हाँ तो फिर वही कहानी होगी 34 × 10^-3 आप प्रोटॉनों की संख्या लिखा दीजिए, प्रोटॉनों की संख्या भार बटा अणु भार, वो घर देते भार लिख लो, ये वाला हिस्सा है जो दिया है और गुण है भार बटा गुण है जो प्रोटॉनों की संख्या 10 होता 10 अगर संख्या 6.02 × 10^23 नीचे अणु भार होता है ना, तो अणु भार 17 × 34 कर दो 10 तो बढ़ जाएगा, तो मारेंगे गुणा करेंगे गुणा आएगा आंसर उतना गुणा 2.044 × 10^22 10 के ऊपर 22 कैसे आ गया, देख लो ये 24 हो जा रहा है, ठीक है फिर इधर उधर करेंगे तो आ जाएगा। और सेकेंड कह रहा है कुल द्रव्यमान पूछ रहा है, कुल द्रव्यमान पूछ रहा है, अरे ताजा ग्रोथ 1.044 × 10^22 आ तो प्रोटॉन के द्रव्यमान जानते वाले लोग कितना वाला 1.672 तक न्यूट्रॉन रहती है 4 रहता लेकिन प्रोटॉन है तो अतः उसको पर -27 चलिए गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2.01 4×10^-5 किलोग्राम। लिख लेना कि नोट में डला हुआ कि क्या ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ताप और दाब का इस पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नोट करो फटाफट। क्या कहा देखो, क्वेश्चन चार है, चार में दिया है 6 कार्बन 13 आठ ऑक्सीजन 16 है का। देखो सोलिया में 12 मैग्नीशियम 24 26 आयरन 56 38 एस्टांटियम 88 रस्सी की इतना चीज अतने बढ़िया से लाहे लाहे सीखी है। मेरे के लिए तत्व, मेरे के लिए परमाणु क्रमांक, पहले परमाणु भार लिख लो, मेरे के लिए परमाणु क्रमांक, हमें लिख लो प्रोटॉनों की संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या। कैसे बताओगे जा देखते हैं, ये कहाँ है 6 कार्बन 13 8 ऑक्सीजन 16 12 मैग्नीशियम 24 हाँ ये तो नीचे बढ़ा को लिखा दो बढ़ा दो उसको। और 26 आयरन 56 और 38 स्टार्टियम 88 स्वयं आया जो दिया उसको दिखती आराम से समझो। परमाणु भार कितना ऊपर वाला होता है, परमाणु भार 13 है तो मैं 13 भरा जाएगा, 16 है तो मैं 16 भरा जाएगा, 24 है 24 ऊपर वाला भरा जाएगा। परमाणु क्रमांक क्या होगा, नीचे वाला 6 भरा जाएगा। इनमें देख लो ध्यान से, इसमें 8 इसमें 12 इसमें 26 इसमें 38 हाँ। प्रोटॉनों की संख्या भी वही होगा, 6 है 8 है 12 है 26 38 है, कोई दिक्कत ना। हाँ न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, नीचे वाला जो है उसी को लिख दो, न्यूट्रॉनों की संख्या ऊपर में से इसको घटा दोगे तो आ जाए। क्या सीखे समझ में कुछ, ये तो बहुत सरल किया था, 13 लिख लो इसमें ऊपर वाले का आएगा, इसमें 16 लिख लो, 24 लिख लो, 56 लिख लो, 88 लिख लो, इसमें 6 नीचे वाला 8 लिख लो, 26 लिख लो और क्या है और छूट गया क्या है 12 लिख लो, 26 लिख लो, 38 लिख लो। प्रोटॉन की संख्या भी यही होगा जो लिखे हो 6 8 12 26 38 इलेक्ट्रॉन संख्या यही 6 8 12 26 38 न्यूट्रॉन संख्या घटा दो, परमाणु 13 में 6 जाएगा 7, 26 में 8, 26 में 12 जाएगा 12, 26 का 30, 88 में 8 8 0 8 में 3 5 50 ओके। आप पूछना तो पूछ सकते हैं, समझ आया मार तो कर दे। चार को करेंगे पार, कभी चलेंगे हम चांद के पार करेंगे। यही देखिए, यही देखिए, परमाणु का पूर्ण प्रतीक बताना है, परमाणु का पूर्ण प्रतीक। समझ गया कितना सवाल, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 सीरियल दिया था। पहले हमने आपका दिया है जेड बराबर 17, आई बराबर 35, दूसरा हमने दिया जेड बराबर 92 और ई बराबर 233, तीसरा हमने दिया जेड बराबर 4 और ई बराबर 9। अच्छा देखो हम बता देते हैं, कोनो भी तत्व के प्रतीक वही लगा जेड तब तत्व तो नहीं आई ऊपर ये एक रूल होता है। सुनो काका, पहले जे तब एक्स तो उसके ऊपर ए। अब आप मुझे बताइए आराम से समझ कर कि अगर 17 होता है तो किसका ये प्रतीक होता है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन का तो सी एल लिख लो, 17 लिख लो, 35 लिख लो, बात करता हूँ। 92 किसका होता है, यूरेनियम का। 92 किसका, सभी आवर साड़ी में दिया है 92 यूरेनियम और 233 और 233 लिख लो। अजय 4 बता बेरिलियम का, तो बेरिलियम लिख लो, 4 लिख लो, 9 लिख लो और यही तो हमारा आंसर हो गया, बात खत्म, लिख लो। क्वेश्चन ये 5 नंबर में
कि सोडियम लैम्ब द्वारा उत्सर्जित होने वाला प्रकाश का तरंग दर, अच्छा तरंग दर को लैम्डा से पढ़े थे तुम लोग, तरंग दर किससे, लैम्डा से, लैम्डा का मान दिया 580 नैनोमीटर, नैनोमीटर तो नैनो हटाओगे, माइनस नौ मीटर हो गया। कहानी आगे का कहता है तो इसकी आवृत्ति पूछ रहा है, तरंग की संख्या, आवृत्ति का मतलब न्यू निकालना, आवृत्ति पूछेगा तो न्यू, जब तरंग की संख्या कहेगा तो तरंग की संख्या कहेगा तो न्यू के ऊपर डैश निकालते हैं, कहानी हो गया। अच्छा देखो, अब देखो पांचवा से लेकर के पंद्रहवां ले, कहाँ ले, पंद्रहवां ले, ये सूत्र मेन बा, ई बराबर एच सी बटा लेमडा, पांचवा से लेकर पंद्रहवां ले, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। सी तो सब लोग जानते होंगे, सी का निर्वात में प्रकाश की चाल है, इसका मान 3×10^8 आया, यच का मान हमेशा याद रखना 6×10^34 हमारा कहीं नोट कर देते हैं कि सी हमेशा फिक्स है, यच हमेशा प्लांक नियतांक कहते हैं। हाई देखिए इतना आ गया सवाल, तो कहानी आवृत्ति निकाल दें। अच्छा आवृत्ति निकालने के लिए ना एक चीज़ हम बता देते हैं कि आपको एक सूत्र का एक और सूत्र यूज करते हैं, सी बराबर न्यू गुणे लैम्डा, सी बराबर न्यू गुणे लैम्डा, तो इसे सूत्र का पहले प्रयोग करो, सी बराबर न्यू गुणे लैम्डा, कहाँ निकालना है, अरे न्यू निकालना है तो सी बटा लैम्डा बराबर न्यू, तो सी की जगह 3×10^8 और लैम्डा की जगह पर 580 10^-9 यहाँ पर न्यू हो जाए, समझे, तो 3 लिख लो 10^8 10^9 580, अब इसका भाग इसमें दे दो, अब बराबर नहीं हो तो 8×9=17 हो जाएगा। अच्छा भाग देंगे तो कितना आने वाला है, आएगा आपका देखो न्यू बराबर 5×17×10^14 अगर मात्र प्रति सेकेंड होता है या हर्ट्ज होता है, पढ़े भी थे आप, ठीक है सेकेंड लगा लेते इसमें, तरंगों की संख्या जब भी पूछेगा तो न्यू को पटाश हो गया 1/λ और लेमडा का मान मालूम है 580×10^-9 ऊपर जाए तो 10^+9 1×580 फिर 1 में 580 से भाग दे दो हमारे पास आ जाएगा, बम बम बोल रहा है काशी, इतना चलो प्रति मीटर आ जाएगा। अच्छा सुनो तनी एक एक झड़क तनी आपको हम समझाए तभी लिखना, सुनो जब भी मैंने सवाल कहेगा ना जैसे म्यू दिया और लैम्डा पूछ दिया तो इस सूत्र का आप एक यूज करेंगे, सी बराबर न्यू गुणा लैम्डा, तो सी आपका निर्वात में प्रकाश की चाल है, इसका मान फिक्स होता है 3×10^8 लैम्डा न्यू है, आवृत्ति कहते हैं मात्रक, हर्ट्ज लिखो या प्रति सेकेंड लिखो, लैम्डा इसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं, मात्रक में मीटर लिख लो, तो सी है आप लैम्डा दिया तो न्यू निकल ही जाएगा, लैम्डा बटा में आ जाएगा, सी आपको मालूम है, लैम्डा आपको मालूम है, भाग दे देंगे आराम से भाग दे दी इतना आ जाएगा, देखो इतनी है ना प्रति सेकंड मात्रा का है, और तरंगों की संख्या पूछेगा 1/λ फिक्स है हमेशा, जब भी पूछेगा तो 1/λ का यूज कर रहा है, लैम्डा दिया है, अच्छा लैम्डा दिया है तो चलो ऊपर कर दो भाग दे दो तो इतना आ गया, ये प्रति मीटर क्यों आ गया, क्योंकि लैम्डा है तो नीचे मीटर लिखते, दूरी है ना लैम्डा और ऊपर एक जाएंगे प्रति मीटर है, तो सिंपल नोट कर लो इसको। केमिस्ट्री में देखो जो भी हो 6 नंबर देखो आ जाओ, कह रहा है कि प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, ऊर्जा जब पूछी तो कहाँ निकालेगा बा, ई एनर्जी, कहता कि आवृत्ति दे दलवा न्यू का मान कितना 3×10^15 हर्ट्ज, जो भी दलवा ये नंबर में अभी नंबर में जिसका तरंग लैम्डा दलवा ना हो 0.50 एंगस्ट्रॉम दलवा का है, तो आई जल लिखा जाए 0.50 एंगस्ट्रॉम के बदले 10^10 मीटर हो जाएगा आपका, तो निकाल दो एनर्जी, पहला के हल करो बाबू, आपके सूत्र बताओ नहीं यार, ई बराबर एच न्यू से लग जाए, ई बराबर एच, एच का है हाँ का मान 14.6×10^-34 न्यू का मान 3×10^15 क्षत्रिय ठहरिए ठहरी के नीच है, ये देखिए 10^19 जू आ गया इनसे, 15×34 फिर जाना ही चल जाए, ये तो खाली घूमना रखी जाएगी यार, 36×18 कर 34×15 कटा 10^19 सुनो यार,
सेकेंड लगा लो बी नंबर तो ई बराबर एच सी बटा लेमडा एच के मान चौदह सौ छः गुना दस के मान चौंतीस सी का मान तीन गुना दस के ऊपर आठ और लेमडा का मान है क्या जीरो दशमलव पचास गुना दस के ऊपर माइनस। अच्छा एकदम आराम से समझो अरे तुमको जीरो पढ़ाओ हटाओ हयो हटाओ हयो हटाओ तो छः छठ गुणा तीन गुणा चौंतीस में से आठ गए दस के ऊपर माइनस छब्बीस हई जाता दस के ऊपर हई तू पहले जीरो बढ़ा दो हई जाए तो प्लसे हो जाइ आकरा खातिर जो गई बढ़ा दो पचास हो तो पचास कर दो काट पचास दूना सौ हो गए कैंसिले हो गए। अब एक काम करो काटो टमा तीन दूना छः छः जाएगा छत्तीस छः छत्तीस तीन उनतालीस छब्बीस में से दस जाएगा सोलह आए भाई ऊपर जाता तो आयो भाई घट जाए दस के ऊपर पंद्रह इतना माइनस होगा का हाँ तो माइनस सत्रह इतना जुड़ेंगे सर अरे छब्बीस में दस जाएगा माइनस छः छः सोलह इधर माइनस सत्रह नोट कर समझे हो हाँ लग जाए तो लिख लो।